मैं हूं अमानुला नासर और इस वक्त जान जान की खूबसूरत स्क्रीन पर देखते हैं इस वक्त मैं बलुचि के कैपिटल कोयटा में मौजूद हूं और कोयटा में एक बहुत खूबसूरत इलाका है पार्क है जिसे कहते हैं बेनजी पार्क इस पार्क में कुछ बेनजीर बेमिसाल लोग आपने बलूचिस्तान के लोगों के हवाले में अजीब अजीब खबरें सुने होंगे लेकिन आज मैं ये साबित करके बता दूंगा कि बलूचिस्तान के लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड बहुत तेजीब याफ्ता और बहुत तरक्की तरक्याफ्ता लोग हैं इस वक्त मैं एक क्लिनिक में हूँ ये एक अजीब क्लिनिक है आप जिस क्लिनिक में जाएंगे पहले तो आप लाइन में लगेंगे फिर आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे फिर एक भारी फीस अदा करेंगे फिर उसके बाद अदोयात होंगे फिर नुस्खाजात होंगे फिर टेस्ट टेस्ट होंगे एक्सरे होंगे उसके बाद आपकी एक बीमारी ठीक हो जाती है मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस क्लिनिक में अगर आप लोग तशरीफ लाएंगे तो आप लोगों के जो सौ में से अस्सी नवे बीमारियां हैं वो बगैर फीस बगैर नुस्खे बगैर दवाई और बगैर डॉक्टर के ठीक हो सकते हैं और ये एक पार्क है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कुछ लोग सुबह जब आते हैं तो सीनियर सिटीजन होते हैं और एक दो घंटे एक्सरसाइज के बाद जब वापस जाते हैं तो वो बिल्कुल जूनियर सिटीजन बन जाते हैं जवान बन जाते हैं ये भी एक लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है इस क्लिनिक में बुढ़ापे का भी इलाज है यहाँ पे आप आएंगे जो आपके टेंशन होंगे जो डिप्रेशन होंगे यहाँ पे आप एक लाफ्टर भी मैं फिर आपको दिखा दूंगा उस लाफ्टर और माहिर लाफ्टर रियात जो है वो जनाब जावेद साहब वो जब लाफ्टर लगाते हैं तो आपको जवान कर देते हैं तो अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस जगह का जो बुनियाद रखने वाले हैं जो बानी है जनाब मीर बहादुर खान हाजी साहब मैं उससे बात करूँगा वालेकुम थैंक यू सर अमर साहब बहुत आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइव दिखाएंगे तो पहले भी एक दो दफ़ा दोस्तों ने इंट्रो किया था काफ़ी हमें पजीराई मिली हमारे इस प्रोग्राम को तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानोला साहब मैंने ये शुरू किया था सात आठ साल पहले मैं सर्दियों में दो तो तीन महीने कराची जाऊँगा तो उधर पार्क में हम लोग वाक करते थे एक साल गया तो उधर लोग तीन चार छः बंदे जो है योगा कर रहे हैं ऊपर नीचे तो हम बलो जो लोग हैं हमें अजीब लगा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं तो हमारा एक दोस्ता अपार्टमेंट में उसने हमें गाइड किया कि आप आ जाए सर ये आप वाक छोड़ें ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो योगा है तो फिर मुझे पकड़ के आया हमारे बिल्कुल मैं एक हफ्ता नहीं गया फिर हमारे हाथ पकड़ के उसने तो मैं अभी तक दुआएं देता हूँ उसको बंदे को और हमारे उस्ताद मोहतरम खान मोहम्मद मीरानी साहब अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती देवे कि हमें इस लाइन पे लगाया तो मेरा ख्वाहिश था मैंने उधर कराची में सीखे होगा तो मेरा सबसे पहले मानो में आपका माइंड चेंज होगा आप नेगेटिव सोच आपके बिल्कुल ख़त्म होंगे आप हर चीज़ जो आपको फायदा बेनिफिट मिलेगा आपका कोशिश होगा कि मेरा किसी भाई को है मैं किस तरह पहुँचाऊँ तो मेरा दिली ख्वाहिश था मैंने कई दफ़ा कोयटा में अपने जो क्लोज दोस्त थे टक्कर शफकत साहब या बहुत से हमारे मीर ख़ालिद साहब या डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साहब मैं सब दोस्तों को दावत देता था कि हमारे घर पे आप आ जाओ तो अलहमदिल्ला मेरे घर में छोटा लान भी है उधर मैं योगा भी कराऊंगा आपको नाश्ता भी करवाऊंगा मतलब एक किस्म का लालच देता था कि लोग आ जाए ताकि इसके असरात और इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ी हो लेकिन अलहमदिल्ला आस्ता 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 अल्लाह पाक ने इस काम को चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं हमने शुरू में चार बंदे से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह फ़िफ्टी क्रास किया है हम लोगों ने तो सबसे पहले आपका माइंड आपका जो डिप्रेशन है आपका टेंशन है वो भी तो बिल्कुल ख़त्म होगा तो ये तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल तो आप दुकानदार के पास जाएंगे टेंशन डॉक्टर के पास जाएंगे टेंशन बाहर रोड पे निकलेंगे ट्रैफिक देखेंगे टेंशन तो ये टेंशन का ये जो मुफ्त इलाज है इस पे आप कोई फीस शीस क्यों नहीं लगाएंगे सर मेरा फीस सिर्फ ये है कि आ, ख, साफ चेहरा जैसा हम लाफ्टर कर रहे हैं बस मेरा फीस यही है कि एक हंसे और चेहरा उसका मुस्कुरावट हो तो बस मेरा फीस हो गया तो अलहम्दुल्ल इसमें जैसा आपने कहा कि आप दवाई लोगे तो आपका बीमारी जाएगा लेकिन बीमारी जाएंगे नहीं वक्ती तौर दवाई उसको दबाएंगे बीमारी खत्म नहीं होगा मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया मीर साहब कि जब एक बीमारी होती है ना उसका साइज चूहे की तरह होता है ठीक है तो हम जो दवाई देते हैं वो दवाई असल में बिल्ली होती है वो जाके चूहा तो खा लेता है तो फिर बिल्ली जो है ना वो फिर पेट में रहता है फिर उस बिल्ली को खाने के लिए एक भेड़िया छोड़ना पड़ता है ठीक है तो आखिर यही है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरी एक बीमारी थी और तीन और लग गई हमें मेरी तो यही है बिल्कुल सही बात यहाँ पे क्या क्या इलाज कर मीर मैं, मैं सर से पांव से लेकर उंगलियों का सर के बाल तक जी जी। तमाम बाडी का मैं इलाज करूँगा अल्लाह के फजल से और मैंने जो पे जो मुझे खुद अपने बाडी में दो तीन बीमारी मुझे सांस का तकलीफ था खानदानी अल्हदुल्ला मैंने पच्चीस साल टेबलेट साल में एक कोर्स था वो बढ़ते बढ़ते एक महीने पे आ गए यानी बढ़ता गया दवाइयों से ख़त्म नहीं हुआ दे दे। अब सात साल से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं एक टैबलेट मुंह में नहीं किया है और मैं दौड़ भी सकता हूँ रोगा भी कर सकता हूँ सत्तर साल के करीब मेरा उम्र भी पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है कोई तकलीफ नहीं है मोरे सर्वाइकल का मसला हो गया वो अल्लाह पाक इसी एक्सरसाइज से, से ख़त्म हुआ ब्लड प्रेशर था पंद्रह बीस साल मैंने पच्चीस साल टेबलेट खाए ले वो सारे ख़त्म हो गया बाकी हमारे दोस्त इधर तीन छः महीने से कर रहा है आप उससे भी पूछे कि इनको कितने कितने बेनिफिट मिले हैं और मैं हमारे साथ दो बड़े डॉक्टर भी करते हैं तो उनका भी मैंने इसी एक्सरसाइज में इलाज करवाया उन्होंने खुद अपना इलाज नहीं है। आप उससे भी पूछ सकते हैं तो अच्छा मैंने जो यहां पे मतलब कुछ दिन से मैं भी आ रहा हूँ तो मैंने ये जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है इनको जब मैंने ये बताया कि आप जवान हो जाएंगे वापस वो बड़े शौक से आ रहे कुछ और भी बुजुर्ग हमारे साथ आ जाए हुए तो ये आप जवानी कैसे वापस खींच के लाते हैं सर ये शुरू शुरू में कराची में जो हमने किया तो हमारे उस्ताद मीरानी साहब कहते थे कि मैं आप रेगुलर इसको करें कंटिन्यू करें रोगा एक घंटा मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप पंद्रह से बीस साल आपका एज जो है रिवर्स होंगे हम लोग इसको मजाक समझते थे कैसे अभी हम लोग दिन दिन नीचे जाएंगे ऊपर कैसे वह रिवर्स होंगे लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा इसमें कोई दोरा नहीं है आप बिल्कुल पंद्रह साल बीस साल ठीक है आप आए तो सत्तर लेकिन आपका देखने में आपका चलने आपका गुफ्तार आपका चेहरा वो पचास साल लगेगा तबियत जो है तबियत में में वो कह रहे दिल होना चाहिए जवान उम्र किया है तो आप दिल को जवान दिल करते को, अगर आप बीमार है आप टेंशन में है आप चालीस साल का आपको बूढ़ा लगता है अगर आप खुश हैं, आपका मिजाज आपको बीमारी नहीं है आपको टेंशन नहीं है आप अस्सी साल में पचास साल का लगते हैं ये हमारे फायदे और ये जो आपका बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होगा जैसे बच्चे का है जैसा वो बच्चा कर सकता है इसी तरह मैं भी अपना बॉडी कर सकता हूँ लेकिन ये जो हमारे लोग है जो कबाइली लोग है जो हमारे पठान का, उनका ये बुजुर्ग आदमी या एक बुजुर्ग आदमी लाफ्टर लगा रहा होता है तो ये कह रही, इसकी देखो और इसकी देखो वाली तो, तो इसका क्या इलाज आप बताए असल तो इलाज यही है की हम बूढ़े बूढ़े का नाम ही इधर नहीं है हम तो अपने को बूढ़े तो सालिफ हम तो बोलते हैं हम सारे जवान हैं तो इसी वजह से उसको जो है हम जो रिटायर बंदे उसको जवान बनाने के लिए इसी इधर बनाया हमने। अच्छा आपने एक और भी जबरदस्त काम किया है वैसे मीर बहादुर खान साहब आपको शायद ये मालूम नहीं है ये जो बूढ़े लोग हैं ना जो रिटायर्ड हो जाते हैं फिर ये घर में बैठा होता है फिर घर में बैठे होते हैं बहू को छेड़ रहे होते हैं वो बीवी के साथ लड़ाई पोतों के साथ लड़ाई घर के हर काम में मुदाखलत ये भी आपने एक सवाब का काम किया कि इनको घर से बाहर निकाल सर मैं आपको गुजारिश करूं, ये मेरा ख्याल मेरा दोस्त जावेद साहब भी इसका जवाब देंगे मैं खुद जब योगा शुरू किया तो महीना दो चार के बाद इतना आ, जो ब्लड प्रेशर था जो माइंड इतना चेंज हुआ बीवी कहता है हड़ी तो नहीं हुआ है <laughs> तो इसका जवाब जावेद साहब देंगे नहीं, आ, ये मैं बीवियों से भी फिर एक दिन इंटरव्यू करूंगा उनको फिर आपसे ये भी शिकवा होगा कि हमारे बुजुर्ग शोहर थे वो आराम से घर में बैठे हुए थे अब जब से वो जवान हो गए दूसरे तीसरे शादी की बात कर रहे हैं कर रहे तो एक मस मसला, मसला है ये मसला है तो इसके लिए इन आप बिल्कुल इंटरव्यू अच्छा शकील साहब से मैं ये इधर जब मैं आया था मैं ये सोच रहा था कुछ दिन जब मैं शुरू शुरू में आया तो ये सारे बुजुर्ग लोग थे सीनियर सिटीजन तो ये इसमें ये जूनियर सिटीजन कहाँ से आ गया आपका तो इस वक्त फुटबॉल क्रिकेट और ये भाग दौड़ ये वाला एक्सरसाइज होना चाहिए था सलाकुम सर आ, आपने बहुत अच्छी सवाल की अमानला साहब सिर्फ यहाँ पे ये सीनियर सिटीज़न के लिए बात नहीं है यहाँ पे तो सारे हमारे जैसे जूनियर भी आ सकते हैं और स्पेशली uh, यहाँ पे फीमेल भी आ सकते हैं बल्कि फीमेल भी आ चुके हैं यहाँ पे इनके लिए आजी साहब ने पर्दे का भी बंदोबस्त किया हुआ था बीच में ये सर्दी आ गई कोयटा की सर्दी का तो आपको पता है कि दिसंबर जनवरी में काफ़ी सर्दी होती है तो सर्दी की वजह से जो हमारे फीमेल हजरात थे वो फ़िलहाल नहीं आ पा रहे हैं ओप्सो के शायद अभी कुछ दिनों में यहाँ रमज़ान के बाद वो दोबारा स्टार्ट लें तो मैं अपने यूथ से स्पेशली जो यंग है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए बेनजीर पार्क में हमारे साथ योगा ज्वाइन करें ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है ये सब सबके लिए आज सब जी जी थैंक यू सर टू टीवी तो इस वक्त मैं जा हाजी मोहम्मद सिद्दीक और बड़े मॉडर्न हो के जवान बन कर आते हैं जवान तो वो है तो इसलिए मुझे शक होता है कि कई हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब कोई दूसरी तीसरी शादी का तो खुदा ना खास्ता प्रोग्राम नहीं रखते लेकिन इन्होंने बतौर गवा अपने बच्चे को लाया था कि वो घर में गलत रिपोर्ट ना दे ठीक है तो आप मुतमिन रहिए इन हम भी गलत रिपोर्ट नहीं देंगे नहीं, नहीं। जब हाजी मीर बहादुर खान साहब नहीं थे तो उनके गैर मौजूदगी में हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब हमें ट्रेनिंग दे रहे थे तो हाजी साहब अब मेरा ख्याल में यहाँ पे लोग भी काफ़ी हो गए और ये एक बहुत सवाब का काम आप लोग कर रहे हो तो इस सवाब को आप बलुचस्तान बहुत बड़ा सूबा है। सूबा है। तो है। कम से कम कोयटा में अगर आप दो तीन पॉइंट रख दे और लोगों को जरा इजी हो वहाँ पे पहुँचना तो ये अच्छी बात नहीं आप अगर, अगर अपने अमान साहब शुक्रिया बेसिकली जो टी डब्ल्यू सी हमारे यहाँ पे जो खलफ है हमारा बेसिक मकसद भी यही है कि हमने बल्कि पूरा इसको पाकिस्तान में हमने फैलाना है और खास जिस तरह के आपने बात किया था पहले तो कोईटे में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी माशाला मीर बहादुर खान साहब की वजह से तो यहाँ पे अभी बेनज़ीर पार्क में हमने शुरू किया है और रास्ते आस्ते हमारे जो दोस्त यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद हमें कोशिश करेंगे कि हमारे जितने पार्क्स और ग्राउंड्स हैं इनशाला हम उन पर भी ये सिलसिला अपना दोबारा जारी रखेंगे अल्लाह करे क्योंकि बलूचि जो है ना वो तो लाखों की तादाद में और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है तो मेरा ख्याल में और भी अजला में हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे अगर हमारी नियत नीयत ठीक हो इनशा हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमने ये काम शुरू किया है जिसे हम कहते हैं सदक़े जारिया है तो जो हमारे बूढ़े जवान यहाँ पे रोज़ाना आ रहे हैं बल्कि आप भी खुद कुछ दिनों से हमारे साथ कारवा में शामिल है अगर आप जैसे शख्सियात हमारे साथ होंगे और हमारे दूसरे डॉक्टर साहिबान है डिप्टी सेक्रेटरी साहिबान है और बहुत से रिटायर्ड हमारे अफसरान जो यहाँ पे आ रहे हैं अगर ये सारे इसी तरह मिल के इस कारवा को जारी रखे इनशाला कोई वो दिन दूर नहीं कि हम इसको पूरे बलोचिस्तान में फैलाएंगे इनशाला इनशाला एक नौजवान डॉक्टर साहब है हमारे डॉक्टर मौला बख्श साहब वो यहाँ पे खड़े हैं और उनके नौजवानी की मैं बात क्यों कर रहा करूँ ये जब इंट्री देते हैं तो ये एक लाफ्टर देते हैं और वो लाफ्टर इस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा उसके बाद फिर मैं डॉक्टर मोहतरम से बात करूंगा Ha 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 देख लिया नाज़रीन आप लोगों ने मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सीनियर सिटीजंस आते हैं और वापस जूनियर बन कर जाते हैं तो डॉक्टर साहब डॉक्टर मौला बख्श साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब की बहुत-बहुत मेहरबानी कि आप भी हमारे साथ ये जो है इससे जितने फायदे हैं टूटू जितने फायदे मिलते हैं मेडिकल के हिसाब से किसी और जगह नहीं मिलते हैं मैंने एक्सीडेंट किया था मेरा सरवा गर्दन कमर के मोरे गर्दन के मोरे घोडे सब ख़राब थे मैं कई बेल्ट बांधता था एक दिन डॉक्टर दुस्महमद साहब ने फ़ोन किया भाई इलाज तो इधर है यहाँ आ जाओ इस क्लिनिक में हमने अज बहादुर ख़ान साहब ठक्कर शफक़त साहब ने पहले जब काम शुरू किया था ये इधर चौदह अगस्त को हमने काम शुरू किया योम आज़ादी पाकिस्तान के दिन पे चौदह अगस्त जो है बीस पिछले साल इधर आ गए फिर इसके बाद जब से हमने ये एक्सरसाइज है ये योगा शुरू किया है अलहमदुल्लह न अभी मेरा सर्वाइकल खालर है न कमर का बेल्ट है न गोडों का कोई मसला है ब्लड प्रेशर भी हमारा था उसके दवाई भी सेवेंटी परसेंट खम हो गए हैं और हम लोग माशा अभी जो है आते ही हंसते हैं जाते ही हंसते हैं सब अलहदुल्ला डॉक्टर साहब ये बताए ये दीगर डॉक्टर्स को अगर पता चला ये जो एक दफ़ा नौकरी सुबह करते हैं तो ज नहीं करेंगे लड़ेंगे नहीं आपके साथ। सर एक दुआ है उत्ताद बहादुर खान साहब कास्पतालों को वीरान करो पार्कों को आबाद करो वारा 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 वारा। वारा। एक दिन सारे हॉस्पिटल वीरान होंगे सारे नौजवान बुजुर्ग सब सीनियर सिटीजन पार्कों में मौजूद होंगे हमारे उस्ताद मीर बहादुर खान साहब ने अजूब स्टेडियम में भी हम गए थे मुख्तलिफ़ पार्कों में हफ्ते में एक दिन जाते हैं ताकि लोगों में अवेरनेस हो नोशकी के बहुत से लोग आए थे उनको आज साहब ने ट्रेनिंग दिया वो नोशकी में भी उन्होंने ब्रांच खोला है इसी तरह बलूचस्तान के मुख्त शहरों में लोगों को ट्रेनिंग दे के हम लोग भेज रहे हैं कलात में भी एक ब्रांच है अलहमदिल्ला खुलदार में भी कुछ दोस्त हाजिस साहब ने भेजे कोयटा के इन शब जैसे दोस्तों की तान रहे सब पार्कों में उस्ताद मुहतरम एक एक ब्रांच खोलेगा और जो जिसके घर से नज़दीक है उस्ताद मोहतरम फरमा जैसे मैं सरयाम से आता हूँ उस्ताद मोहतरम फरमा एक ब्रांच सरियाम में खोलेंगे ताकि वहाँ के लोगों को आप मोटिवेशन दे, दे। बहुत से दोस्त आते हैं वो चिल्तम पार्क से हाजी साहब जैसे दोस्त है लतीफ़ साहब है उनको उधर ही इनशाह एक एक ब्रांच उस्ताद मोहतरम का लॉन्ग टर्म यही प्रोग्राम है कोयटा में जितने पार्क है सुबह नमाज के बाद सब लोग उधर मौजूद हों इनशाला सब मौजूद होंगे मेरा तो बिल्कुल सारे बीमारियां खत्म हो गए हैं और अगर कोई भी दो एक दिन मैं नहीं आता हूँ घर में तो बीमार पड़ जाता हूँ दोस्तों की कंपनी आपकी जो 50 फीसद बीमारियों की इलाज है वो है वो लाफ्टर जब आप आते हैं और जब आप जावेद साहब के साथ जिस तरह लाफ्टर लगाते हैं सर 50 फीसद बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है तो आपकी तो 80 फीसद खत्म हो गई होंगी तो अब एक और नौजवान है जी नाजरीन इस वक्त कासिम खजक साहब मेरे साथ खड़े हैं जो एक रिटायर्ड बेरोट है आ, सर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान में आप मुझे बताएं कि आप जिस दिन आए यहाँ पे और आज इस दिन तक क्या फ़र्क आपने महसूस किया है क्योंकि उस दिन एक एक्सरसाइज था जो मेरे ख्याल में बच्चों और जवानों के लिए भी वो बहुत मुश्किल है लेकिन आप कर रहे थे तो क्या आपने फ़ायदे यहाँ पर देखे शुक्रिया मानला साहब बहुत मेहरबानी आपकी जी मैंने तकरीबन कोई तीन महीने से ज्वाइन किया है इससे पहले जो है ना मैं ये एक्सरसाइज और वॉक तो करता रहा हूँ वॉक जो है ना मैं शुरू से करता रहा हूँ दस पंद्रह बीस साल से कर रहा हूँ जी मगर मुझे वॉक में वो फायदे नज़र नहीं आए जो यहाँ पर इस पार्क में या इससे पहले मैं लाहौर में करता रहा हूँ जी ये योगा या एक्सरसाइज जो है तो इसमें जो है ना इससे पहले एक दफ़ा जो है ना मेरे घुटने जो है ना घुटनों में काफ़ी तकलीफ थी तो डॉक्टर ने मुझे मैंने कोई दो साल जो है ना कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ी है तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि जी आप जो है ना, नॉर्मल ना, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जब से मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की है और डाइट अपने ख़ास तौर पर डाइट कंट्रोल किया है तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जो है ना मेरे घुटने भी ठीक ठाक हो गए मैं नमाज अच्छा, भी अपनी डाइट के बारे में ज़रा बताया नाजरीन डाइट तो यहाँ पर हमारे पास सीनियर हमारे साथ यहाँ पर सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तमाम साथियों को एक डाइट का प्रोग्राम भी दे देवें और मैं खुद जो है ना सादा डाइट खाना पसंद करता हूँ ज़्यादातर जो है ना चीनी जो है ना कोशिश करता हूँ कि नहीं खाऊँ घी वगैरह इनसे अवॉइड करता हूँ और ख़ुराक कम से कम खाता हूँ अपने सुन्नत रसूल के मुताबिक भूख बाकी बाकी रहती है तो हम खाने से उठ जाता हूँ मुझे तो यही चीज़ें जो है ना डाइट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई न, वो चीज़ें नहीं खा रहा हूँ मुझे बस यही सिर्फ सर, खुदा सादा खुराक खाने से जो है ना उससे भी काफ़ी इंसान पर फ़र्क़ पड़ता है टूटी हुई और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज और योगा नहीं करते हैं ये अतर्ण भी करते हैं और आई आए...